नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने चैनल अरिहंत क्लासेज में। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी धमाका रिजल्ट की डेट जारी। मैं आपके साथ फुल डिटेल शेयर करूंगा कब तक रिजल्ट जारी हो सकता है, साथ के साथ कट ऑफ क्या रह सकती है। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सामाजिक आर्थिक अंकों के लिए आवेदन किए दिसंबर में आएगा रिजल्ट। आज के न्यूज़पेपर में ये खबर आई हुई है कि दिसंबर तक इसका जो ग्रुप डी का रिजल्ट वो आ जाएगा। ग्रुप डी भर्ती 7.21 लाख युवाओं ने, युवाओं के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं तो इन्होंने मार्क्स क्लेम किए हैं। भाई 8.5 लाख के लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 8,55,000 ने, उसमें से 7,21,000 बच्चे 5-5 मार्क्स ले रहे हैं। और सभी बच्चों को लगभग 40,000 बच्चों को बुलाया जाएगा और वहीं पर उनके क्लेम है जो उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मार्क्स नहीं मिलेंगे और ये जो भी वेरिफिकेशन होगी वो पीपीपी के आधार पे होगी। जो ये परिवार पहचान पत्र है इसके आधार पर होगी। पीपीपी के जरिए आई डिटेल बनी आधार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फिलहाल परिवार पहचान पत्र के जरिए परीक्षार्थियों की डिटेल को आधार बनाया है। वे फैमिली आईडी से ही चेक किए हैं किसके परिवार में मार्क्स नहीं है, किसकी इनकम 1,80,000 से कम है। और यही पता आपको, भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी ऑब्जेक्शन मांगे। अब ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, 100 रुपीज़ लगेंगे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। उससे अलग बच्चों यही था, अंकों की डिटेल एनटीए को भेजेगा कर्मचारी चयन आयोग। बोर्ड की तरफ से एनटीए को डिटेल भेज दी जाएगी। एनटीए वाले फिर 5-5 नंबर ऐड करके उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। और जो भी वेरिफिकेशन होगी, बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि वेरिफिकेशन, मान लो किसी का सिलेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है या किसी का बिजली बोर्ड में होता है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट या बिजली बोर्ड ही आपकी वेरिफिकेशन कराएगा। अभी तक ये है, बाकी अभी तक इस पे अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन कोशिश यही रहेगी जिस विभाग में आप जाओ वहीं पर आपकी वेरिफिकेशन हो। और इससे लगे डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करी दी है। 8,55,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, जो 7,21,000 ने क्लेम किए हैं 5 अंक सोशियो इकोनॉमिक इसके। और जिस भी किसी को अगर मार्क्स अगर अपने क्लेम छोड़ना है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप वहाँ पे अपना क्लेम छोड़ सकते हो। और दिसंबर 15 तक ग्रुप डी का रिजल्ट होने की संभावना, ये देखिए यहाँ पे एनटीए की ओर से 15 दिसंबर तक ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करने की संभावना है। तो अभी यही टेंटेटिव डेट है, देखिए इस आगे पीछे भी हो सकता है। हो सकता है इससे पहले मतलब ग्रुप सी की ज्वाइनिंग वगैरह करा दे एग्ज़ाम करा के, तो लेकिन अब रिजल्ट का दिसंबर के मिड तक आने के चांस हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।